लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की क्लास का आज टॉपिक है भारतीय चिंतक, और भारतीय चिंतक में हम लोग अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं कौटिल्य का। कौटिल्य का अध्ययन हम लोग करें। सबसे पहले कौटिल्य के सामान्य परिचय और उसकी उस परिस्थिति को देखना आवश्यक है जिस परिस्थिति के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य उसके पिता का नाम था, इसलिए उसको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा राजनीति को धर्म से पृथक किया गया, राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया गया और राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र एवं व्यवस्थित विषय का दर्जा प्रदान किया गया। इसीलिए भारतीय राजनीति विज्ञान का पिता भी आचार्य कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया और इसी विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन भी किया और इसी में उसने अध्यापन का भी कार्य कौटिल्य के द्वारा किया गया। कौटिल्य के राजनीतिक विचार और उस देश काल परिस्थिति से प्रभावित है जो उस समय भारत के राजनीतिक दशा थी। भारत की राजनीतिक दशा और कौटिल्य के राजनीतिक विचार को जिस घटनाक्रम ने प्रभावित किया उसमें दो घटनाक्रम मुख्य है। पहला है सिकंदर का आक्रमण और दूसरा है महापद्मनंद के द्वारा अपमानित किया जाना। महापद्मनंद के द्वारा अपमानित किया जाना दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिसने कौटिल्य के राजनीतिक विचार को उर्वर जमीन प्रदान किया और कौटिल्य का उद्देश्य बन गया तत्कालीन मगध साम्राज्य को शक्तिशाली एवं अखंड बनाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के अनेक राज्य छोटे छोटे हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मगध भी छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे हालात में कौटिल्य का राजनीतिक विचार आया और उसने इसीलिए अपने दर्शन का उद्देश्य मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना बतलाया। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में स्थापित भी किया। कौटिल्य की तुलना पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक मैकियावेली के साथ की जाती है। मैकियावेली और कौटिल्य में समानता है। समानता यह देखते हैं कि दोनों ही यथार्थवादी चिंतक हैं। दोनों ने न केवल अराजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया बल्कि व्यावहारिक
और राजनीति में भी इनके द्वारा भाग लिया गया। दोनों विचारक यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी इसलिए क्योंकि मैकियावेली का जिस प्रकार से उद्देश्य था इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना, कौटिल्य का भी उद्देश्य है मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करके उसे अखंड रूप में स्थापित करना, और दोनों का चिंतन यथार्थवादी है। और दोनों ने न केवल राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया बल्कि व्यावहारिक राजनीति में भी भाग लिया। कौटिल्य जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है, वहीं पर मैकियावेली भी इटली के एक नगर राज्य का सचिव था। दोनों के ही द्वारा राज्य के सुरक्षा को अपने विचार दर्शन का आधार बनाया गया है। दोनों ने राज्य और राज्य की सुरक्षा को अपने विचार दर्शन का आधार बनाया। दोनों के द्वारा अनुभूत मूलक एवं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसलिए कई ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर कौटिल्य की तुलना भारत में मैकियावेली के रूप में किया जाता है, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा जिस पुस्तक का लेखन किया गया उसका नाम है अर्थशास्त्र, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1909 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और हमारे परीक्षा में सवाल भी आया है। सवाल यह आया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो नामकरण किया आखिर उसका आधार क्या था। कौटिल्य के द्वारा इस पुस्तक के नामकरण का आधार को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि अर्थ का अर्थ है जिससे जनता अपनी जीविका का संचालन करती है, और अर्थ का आधार भूमि है, और भूमि के लिए शासन और राजनीति की आवश्यकता है। इसलिए हमने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। इसका प्रतिपाद्य विषय है राजनीति एवं शासन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कुल पंद्रह अधिकरण पाए जाते हैं। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण पाए जाते हैं, और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विद्याओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है आन्वीक्षिकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा है वार्ता, और चौथा है दंड नीति। अब यहाँ पर आपको सवाल आया कि कौटिल्य ने जिन 4 विद्याओं का उल्लेख किया उसमें आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या होता है। आन्वीक्षिकी का अर्थ होता है तर्क एवं दर्शन। त्रयी में विद्या विद्या और वेद को सम्मिलित किया। वार्ता के अंतर्गत इसने कृषि एवं व्यापार को सम्मिलित किया, जबकि दंड नीति को राजनीति एवं
राजनीति एवं शासन की कला कहा है। कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में आप आणविकी त्रयी वार्ता दंडनी चार विद्याओं का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन यथार्थवादी है। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौटिल्य के द्वारा राजनीतिक विचारों का जो प्रतिपादन किया गया वह यथार्थवादी है और उस यथार्थवाद की अवधारणा बहुत कुछ पाश्चात्य दार्शनिक मैकियावेली के साथ मेल खाती है। परंतु हम लोग आगे एक बात देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर कौटिल्य का राजनीतिक विचार और मैकियावेली का राजनीतिक विचार अलग अलग दिखलाई पड़ता है। किस प्रकार से इस बात को हम लोग देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत का। और इस राजनीतिक सिद्धांत में कौटिल्य का पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य का पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य से पूर्व मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अर्थ होता है कि राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित एक संगठन है। कौटिल्य ने अपने राजनीतिक दर्शन में इस बात को नकार दिया क्योंकि कौटिल्य ने राज्य को साधन माना है और उसने व्यक्ति को साध्य माना और कहा है कि राज्य एक मानवीय संगठन है। टीजीटी के एग्ज़ाम में इस पर सवाल पूछा गया कि कौटिल्य ने राज्य को क्या माना है। राज्य को एक मानवीय संगठन माना और राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का कौटिल्य ने खंडन किया और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। इसलिए आपको आएगा कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक मानव निर्मित संगठन है जिसकी उत्पत्ति परस्पर व्यक्तियों के समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय जाता है। पाश्चात्य दर्शन में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के वर्णन का श्रेय जाता है हॉब्स, लॉक एवं रूसो को। बट हम लोग यहाँ एक बात देखेंगे कि कौटिल्य के सामाजिक समझौता और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के सामाजिक समझौता में किस बिंदु पर अंतर दिखलाई पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बात देखते हैं कि कौटिल्य के द्वारा सामाजिक समझौते का वर्णन करने से पूर्व उस समय की किस परिस्थिति का विश्लेषण किया गया। कौटिल्य ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मत्स्य न्याय का प्रचलन था।
मत्स्य न्याय का अर्थ होता है बड़ी मछली को छोटी मछली को निकल जाने का अधिकार। यह अराजकतापूर्ण अवस्था थी जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ थी। चारों तरफ अराजकता का माहौल था, लोगों का जीवन और संपत्ति असुरक्षित था। इस कष्टकारक परिस्थिति से लोगों ने निकलने के लिए समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हो गई। यह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की दशा उसी प्रकार है जिस प्रकार से हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। अब जब यह दशा आ गई तो इस दशा से निकलने के लिए कौटिल्य ने कहा कि लोगों ने आपस में समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप इस बात पर सहमत हो गए कि अन्न के उत्पादन का 1/6 भाग तथा व्यापार का 1/10 भाग और स्वर्ण का वह भाग जो राजा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राजा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसको हम अदा करेंगे। यह बात कह करके अपने ऊपर शासन करने का अधिकार लोगों ने आपस में मिलकर राजा या शासक को सौंप दिया। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति लोगों के द्वारा की गई समझौते से है। परंतु यहाँ एक बात और भी है, राजा ने भी कुछ शर्तें जनता के समक्ष रखा। और राजा ने क्या शर्तें रखी? राजा ने कहा कि हम आपका शासक तब बनेंगे यदि हम आपका शासक तब बनेंगे जब निर्धारित कर को आपके द्वारा अदा किया जाए। 1/6 भाग अन्न का और 1/10 भाग व्यापार का और स्वर्ण का वह भाग जो हमारे द्वारा तय होगा यदि आप उसको अदा करते हैं तो हम आपका शासक बनने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि आपके द्वारा धर्मानुकूल आचरण किया जाएगा और वेद का पालन किया जाएगा, वेद और धर्मशास्त्र का यदि पालन किया जाएगा तो हम आपका शासक बनने को तैयार हैं। कौटिल्य के राजा ने यह भी कहा कि यदि शासक के आज्ञा का पालन करने का वचन देते हैं तो हम शासक बनने को तैयार हैं और हम इसके बदले में आपको सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था प्रदान करेंगे। इस बात पर सहमति हो गई और राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। कौटिल्य के द्वारा इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया, हम लोग यहाँ पर एक बात देखते हैं कि समस्त सत्ता का केंद्रीकरण राजा में हो जाता है। समस्त सत्ता का राजा में केंद्रीकरण हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि कौटिल्य का राजा निरंकुश है, कहा कि कौटिल्य का राजा निरंकुश है। परंतु यह बात वास्तविकता में सत्य नहीं है और यही बात कौटिल्य को अपाश्चात सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स के राजनीतिक चिंतन से अलग करता है, क्योंकि हॉब्स का राजा पूर्णतया निरंकुश है जबकि कौटिल्य का राजा ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त सत्ता का केंद्रीकरण उसमें है और वह निरंकुश हो गया, परंतु ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कौटिल्य के द्वारा राजा के ऊपर कुछ सीमाएं और राजा के ऊपर कुछ सीमाएं और नियंत्रण की स्थापना की। जिन सीमाओं और नियंत्रण का उल्लेख किया गया राजा के द्वारा, उसमें पहला है कि उसके ऊपर धर्मशास्त्र का कहा कि उसके ऊपर धर्मशास्त्र का नियंत्रण बना होगा। दूसरा उनके द्वारा कहा गया कि राजा के अपनी एक निर्धारित दिनचर्या है जिसका पालन उसको करना होगा, यह भी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तीसरा कहा कि राजा को अमात्य या मंत्रिपरिषद के मंत्रणा का भी पालन करना होगा, इसलिए यह भी नियंत्रण स्थापित करता है। इसलिए एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है कि पाश्चात्य समझौतावादी राजनीतिक चिंतक हॉब्स का राजा जहाँ पर निरंकुश है, कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। ऊपरी तौर पर भले ही वह दिखलाई पड़ता है कि निरंकुश होगा, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में है, परंतु वास्तविकता में यह बात सही नहीं है। ये तो बात थी कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बाद कौटिल्य ने राज्य की प्रकृति का वर्णन किया। कौटिल्य के द्वारा राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया। इसने राज्य की प्रकृति का वर्णन किया। राज्य की प्रकृति पर इसका सिद्धांत सावयविक सिद्धांत कहलाता है। सावयविक को आंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। सावयविक या आंगिक सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा कि सावयविक या आंगिक सिद्धांत वह होता है जो राज्य को शरीर मानता है और व्यक्ति को उसका अंग मानता है। सभी आदर्शवादी चिंतक राज्य की प्रकृति को सावयविक या आंगिक मानते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो पहला ऐसा चिंतक है जिसने राज्य की प्रकृति को सावयविक माना, जबकि राज्य की प्रकृति के सावयविक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी यह सिद्धांत कौटिल्य के राजनीतिक विचार में स्पष्ट रूप से दिखता है। कौटिल्य से पूर्व भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की प्रकृति को सावयविक ही माना गया, जिसमें शुक्र नीति और मनु का राजनीतिक चिंतन महत्वपूर्ण है। हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि राज्य की प्रकृति के सावयविक एवं आंगिक सिद्धांत में कौटिल्य के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साप्तांग का अर्थ होता है राज के 7 प्रमुख अंग हैं। राज रूपी शरीर के 7 प्रमुख अंग होते हैं, ऐसा मानना है कौटिल्य का, जिसमें राजा या स्वामी, अमात्य, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र आते हैं। ये राज्य की 7 प्रकृतियां हैं और राज्य की 7 प्रकृति में कौटिल्य ने स्वामी या राजा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। उसकी सलाह के लिए अमात्य या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया। यहाँ जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। जनपद का अर्थ है जन युक्त भूमि, अर्थात वर्तमान का जो राज्य के 4 मान्यता प्राप्त तत्व हैं, कौटिल्य के जनपद में जनसंख्या और भूभाग
जनसंख्या एवं भूभाग दोनों का विचार दिखलाई पड़ता है। दुर्ग का संबंध सुरक्षा से है, कोष का संबंध धन से है, राज्य के कोषागार से है। कौटिल्य के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राजा के द्वारा अपने कोष को हर समय समृद्ध रखना चाहिए। जिस राज्य का राजकोष दुर्बल हो जाता है उस राज्य का पतन शीघ्र ही हो जाता है, परंतु राजा को कोष को समृद्ध बनाते समय, कर की उगाही करते समय अत्यंत उदारतापूर्ण नीति का पालन करना चाहिए। दंड का अर्थ होता है शक्ति। किसी न किसी रूप में इसको वर्तमान के संप्रभु के रूप में भी हम लोग देखते हैं। मित्र का अर्थ है कि एक राज्य अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य राज्य के साथ मैत्री संबंध का निर्माण करे, जिसमें परंपरागत मित्रता को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। इस प्रकार से कौटिल्य के द्वारा राज्य की प्रकृति के सावयविक सिद्धांत का उल्लेख किया गया और सावयविक सिद्धांत का उसी प्रकार से वर्णन किया गया जिस प्रकार से पाश्चात्य राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी चिंतक करते हैं। बहरहाल, हम लोगों का कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन पर आज का क्लास केवल यहीं तक है। आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।